हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप और आपका परिवार इस कोरोना महामारी में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे? आइए बात करते हैं ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश कोर कोड 301 के ब्लूप्रिंट की, सेशन 2020-21। तो ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स 80 का होगा और प्लस 20 मार्क्स जो होंगे ASL, इस तरह से 100 मार्क्स का होगा। इस तरह से अब की बार CBSE ने इसको टू पार्ट्स में बांटा है, ए पार्ट प्लस बी पार्ट। या हम ये कह सकते हैं कि ए पार्ट आपका MCQs का है और बी पार्ट आपका सब्जेक्टिव है। तो पार्ट ए की बात कर लेते हैं। रीडिंग्स कम्प्रिहेंशन आएंगे 20 मार्क्स के। इसमें पहला क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज। 11 MCQs आपको दे रखे होंगे और 10 आपको करने हैं, यानी 1 क्वेश्चन है ऑप्शनल है आपका, तो ये 10 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी, ये भी अनसीन पैसेज ही आएगा। इस तरह से ये भी सेम है, 11 MCQs दे रखे होंगे, 10 करने होंगे, ये 10 मार्क्स का टोटल 20 मार्क्स की हो गई है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आगे आपका लिटरेचर दे दी है, तो लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा प्रोज एक्सट्रैक्ट, और कह सकते हैं कि सीन पैसेज होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 ए बी और सी पार्ट में बटा हो सकता है। पहला जिसमें से आपको दो करने होंगे, 3 पैसेज में से आपको 2 करने होंगे, तो ये 4, पहला भी 4 का होगा, दूसरा भी 4 का होगा। इस तरह से 8 मार्क्स के हो जाएंगे ये। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, तो ये भी पोइम का एक्सट्रैक्ट है, जो पोइम हमने पढ़ रहे हैं। 2 एक्सट्रैक्ट आपके आएंगे और हमें 1 करना होगा, ये भी 4 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 10 दे रखे होंगे, 8 करने होंगे। इस तरह से 8 मार्क्स के हो गए। तो 20 का लिटरेचर हो गया और 20 का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया पार्ट ए में। तो 20 प्लस 20 40 मार्क्स पार्ट ए। आइए बात करते हैं पार्ट बी, 40 मार्क्स है ये भी। तो राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं, 16 मार्क्स का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका नोटिस आएगा और एडवर्टाइजमेंट आएंगे, ये आपका 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन होंगे, ये भी 3 मार्क्स के होंगे। लेटर राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, ये 5 मार्क्स के होंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आर्टिकल या रिपोर्ट में से कोई एक करना होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। इस तरह से आप टोटल कर सकते हैं, 3, 3, 5, 5, ये आपका 16 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन हो जाएगा। अब फिर से इसमें हमें लिटरेचर बुक्स के क्वेश्चन दिए होंगे, जो फ्लेमिंगो और विस्टास से होंगे। आइए इन्हें देखते हैं। 24 मार्क्स का ये होंगे क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमें 20-30 वर्ड्स में लिखने हैं, फ्लेमिंगो में से आएंगे। ये 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के होंगे, हमें 10 मार्क्स इसमें मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये विस्टास से होंगे, ये 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 मार्क्स के होंगे और 4 मार्क्स हमें मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये है। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 7 और 8, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्लेमिंगो और विस्टास से आएंगे, जो कि 120-150 वर्ड्स में लिखना होगा और 5-5 मार्क्स के होंगे। इस तरह से ये 24 मार्क्स हो जाते हैं और 60 मार्क्स ये राइटिंग सेक्शन हो जाता है। तो 16 प्लस 24 ये 40 हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे सबसे पहले अपनी फिर नोटबुक में सबसे पहले वाले पेज पर लिखें और इसको देखें कि किस तरह से ये लिखा हुआ है, इसको समझें, फिर अपनी आप तैयारी करें स्टूडेंट्स। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इन्हें अपने फेयर कॉपी के फर्स्ट पृष्ठ पे आप इसको लिखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करें, नहीं आया तो भी कमेंट्स करें। थैंक यू।